तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं जापानीज कंपनी इसुजू डी मैक्स पिकअप ट्रक का। जी हाँ दोस्तों, पूरे के पूरे वीडियो का पूरा ध्यान से देखिएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस इसुजू मिनी ट्रक के क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्राइस है और क्या इसका माइलेज है। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, आज के रिव्यू को हम शुरू करते हैं। एक अनुरोध आपसे करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उषा की किरण चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसुजू जो है 2500 सीसी वाले इंजन के साथ में ये गाड़ी आती है और ये लगभग 8 कलर के अंदर अवेलेबल है मार्केट में। स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो 15,51,000 रुपये से लेकर के 17,03,000 रुपये तक के प्राइस सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी आ जाती है। इसके तीन वेरिएंट आते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड, जेट और जेट प्रेस्टीज करके तीन इसके आपको वेरिएंट्स मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में ये गाड़ी आती है, लगभग 220 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिलता है। और साथ ही दोस्तों इसके पीछे की साइड में आपको सिंगल हैंड ऑपरेटेड इसका डिक्की मिल जाता है, जहाँ से कि आप इसको एक हाथ से ही इजीली इसको आप ओपन कर सकते हैं। तो काफ़ी सॉफ्ट है, इसको ओपन करना काफ़ी इजी है। दूसरा आपको पीछे की साइड में सुजुकी की आपको एम्बोजिंग मिल जाती है ग्राफिक्स के साथ में, और क्रोम फिनिश के साथ में इसका हैंडल मिलता है, जहां से आप डिक्की पोर्शन को इसके को ओपन कर सकते हैं। साथ ही आपको यहां पर बेड लाइनर्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे प्लास्टिक मटेरियल के साथ में बनाए गए हैं, जो कि आपकी गाड़ी को काफ़ी ड्यूरेबल बनाए रखते हैं। रस्ट फ्री ये सारा का साजा पीछे का इसका बॉडी पोर्शन होता है। साथ ही दोस्तों अगर आपको कभी पार्टीज़ वगैरह करनी है तो आपको कुछ ग्लासेस रखने के लिए भी यहाँ पर एक स्पेशल जगह यहाँ पर डिज़ाइन करके बनाई गई है। मैं ये नहीं कहता कि आप कौन सी पार्टी करने वाले हैं, लेकिन आप किसी भी प्रकार की कोई पार्टी करते हैं तो आप अपने ग्लासेस वगैरह को यहाँ पे स्पेसिफिक जगह पे रख सकते हैं। और काफ़ी बेहतरीन ये गाड़ी है दोस्तों, पार्टी और आउटडोर ऑफ रोड ड्राइविंग के लिए भी काफ़ी अच्छी ये गाड़ी है। चलिए दोस्तों इसके सस्पेंशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको फ्रंट में जो सस्पेंशन मिलता है वो इंडिपेंडेंट डबल विशबोन कॉयल स्प्रिंग सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिल जाता है, और इसके जो टायर मिलते हैं आपको फ्रंट में 245/70 R16 के इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं रेडियल ट्यूबलेस टायर के साथ में। तो काफ़ी अच्छे ग्रिपिंग वाले टायर हैं, जो कि आपको ऊबड़ खाबड़ रस्तों में भी आसानी से लेकर के जा सकते हैं। और अगर दोस्तों हम इसके रियर सस्पेंशन की बात करें तो हमें इसके अंदर रियर में जो सस्पेंशन मिलता है वो सॉफ्ट राइड लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन हमें रियर साइड में मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छे सस्पेंशन वाली ये गाड़ी है कि ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे भी ये आसानी से निकल जाती है, आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होने वाली होती है। अब दोस्तों इसके बाकी अगर फीचर्स में देखें तो हमें इसके अंदर जो इंजन मिलता है वो इंजन मिलता है 2499 सीसी का, जो कि आपको लगभग माइलेज देने वाला होता है 12 से 12.5 तक का माइलेज आपको आसानी से देने वाला ये माइलेज इंजन होता है। 4 सिलेंडर कॉमन रेल VGC टर्बो इंटरकूल्ड डीजल इंजन ये होता है, और इससे पावर मिलती है हमें 134 BHP की 3600 RPM पे जब हमारी गाड़ी पहुंचती है। तो दूसरा टॉर्क मिलता है हमें 320 Nm का 1800 से 2800 RPM के आसपास ये हमें टॉर्क मिल जाता है। दूसरा दोस्तों इसके अंदर आपको जो ट्रांसमिशन मिलता है वो मैनुअल मिलता है, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन इसके अंदर होता है, और ये 4-wheel drive एक व्हीकल माना जाता है। दोस्तों इसके मैक्सिमम स्पीड अगर देखें तो 175 किलोमीटर पर आवर की इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, और 55 लीटर डीजल टैंक के साथ में ये वाहन अवेलेबल होता है। दोस्तों अगर हम इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर हमें एयर कंडीशन मिलता है। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं इस वेरिएंट के अंदर आपको एयर कंडीशन ऑटोमेटिक तो नहीं, मैनुअल आपको एयर कंडीशन मिल रहा है। साथ ही आपको इसके अंदर पावर विंडोज़ के सारे कंट्रोल जो हैं आपको डोर्स के ऊपर मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड डोर के ऊपर। साथ ही एक म्यूजिक सिस्टम वाला एक आपको यहाँ पे स्पीकर माउंट करने का भी एक यहाँ पे स्पेसिफिक जगह मिलती है, और ड्राइवर सीट को पैसेंजर सीट सारी की सारी सीट हैं आपको काफ़ी अच्छी कुशन वाली फैब्रिक अपोल्स्टी के साथ में ये मिलती हैं। साथ ही ड्राइवर की सीट को एडजस्ट करने का भी यहाँ पर इवन हाइट एडजस्ट करने की भी फैसिलिटी इस व्हीकल के अंदर आपको मिल जाती है। आपको यहाँ पर जो स्टेयरिंग मिलता है वो पावर स्टेयरिंग मिलता है टिल्ट ऑपरेशन के साथ में। साथ ही आपको यहाँ पर इसुजू का एक एम्बोजिंग भी स्टेयरिंग के बीच में आपको मिल जाता है, 3 spokes में आपका स्टेयरिंग इसके अंदर मिलने वाला होता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर दोस्तों आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटली रूप से शो होती हैं,
ओडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, इंजन आरपीएम, टेम्परेचर, टाइमिंग वगैरह और बैटरी रिलेटेड सारे के सारे मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। इस वाले वेरिएंट के अंदर दोस्तों आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिल रहा है क्योंकि हम मिड स्टार्टिंग वाले वेरिएंट का हम रिव्यू कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए एक जगह भी मिल जाती है डैशबोर्ड के ऊपर। और बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो मिल नहीं रहा है एसी, तो मैनुअल के कंट्रोल्स आपको सारे के सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको अगर हम बाकी फीचर्स में देखें तो आपको यहाँ पर ग्लोबॉक्स के ऊपर एक और एक अच्छी फैसिलिटी मिल रही है जो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी के रूप में हम जान सकते हैं कि यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग पॉइंट एक अलग से दिया गया है जो कि आप इसको कवर करके रख सकते हैं अपने फ़ोन को या और किसी चीज़ को। साथ ही ड्राइवर और को पैसेंजर साइड में आपको कप होल्डर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि एक अच्छा फीचर कंपनी ने इस व्हीकल के अंदर दिया है। साथ ही दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको जो ड्राइवर है उसके कंफर्ट को ध्यान में रखते ही हुए यहाँ पर आपको एक सनवाइज़र मिलते हैं ताकि ड्राइविंग के दौरान धूप में आप इजीली अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर जैसी सुविधा इस व्हीकल के अंदर इस वेरिएंट में नहीं मिल रही है और एक छोटा सा लीवर है जो कि आपके 5-speed गियरबॉक्स को ऑपरेट करने में काम आता है। साथ ही आपको अगर कुछ आदतें हैं टॉफ़ी चॉकलेट्स वगैरह की उसके लिए भी स्पेसिफिक यहाँ पे जगह आपको मिल जाती है और छोटा सा आपको यहाँ पे पार्किंग ब्रेक लीवर भी मिलता है। साथ ही आपको अपनी आर्म को रेस्ट करने के लिए एक यहाँ पे आर्म रेस्ट भी इस व्हीकल के अंदर मिल जाता है और उसके नीचे आपको थोड़ा सा एक यूटिलिटी स्पेस भी देखने को मिलता है। और पीछे की अगर हम बात करें दोस्तों तो पीछे वैसे तो 3 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है यहाँ पर, लेकिन ईजिली 4 लोग भी आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि इसका जो सीट है वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी अच्छा है। साथ ही आपको यहाँ पर लेग स्पेस की भी कोई कमी नहीं होती है, तो 3 की बजाय 3.5 या 4 आदमी इसमें आराम से बैठ सकते हैं। 3.5 का मतलब कि 3 बड़े और एक बच्चा भी आराम से बैठ सकता है। साथ ही आपको यहाँ पर जो हेडरेस्ट मिलते हैं वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और पीछे की साइड में आपको वेंट भी यहाँ पे मिल जाता है। एसी वेंट, एसी नहीं है लेकिन एयर वेंट आपको यहाँ पे मिलता है पीछे की साइड में। तो इस तरह का इसका इंटीरियर है दोस्तों देखने में। दोस्तों अगर इस व्हीकल की हम लेंथ की बात करें तो ये 5295 mm लेंथ में आता है, यानी कि लंबाई इस व्हीकल की इतनी होती है और चौड़ाई जो होती है इसकी 1860 mm की होती है। अगर हम हाइट ऊंचाई की बात करें तो 1855 mm की इसकी हाइट हमें मिलती है और व्हील बेस जो है इस व्हीकल का वो लगभग 3095 mm का इसका व्हील बेस मिल जाता है। पीछे की साइड में आपको यहाँ पर एंटी रोल बार्स भी मिलते हैं जो कि इसके लुक को काफ़ी स्पोर्टी बनाते हैं। साथ ही आपको काफ़ी सारा सामान रखने के लिए पीछे एक पोर्शन मिलता है और अगर आपको टाई करना है तो आपको यहाँ पे हुक्स वगैरह भी दिए गए हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर आपको 4 डोर मिल रहे हैं, सीटिंग कैपेसिटी 5 लोगों की होती है। और बाकी अगर हम इसके फीचर्स में देखें तो हमें एयरबैग्स मिल जाते हैं इसके अंदर, इस वाले वेरिएंट के अंदर ड्राइवर और को पैसेंजर ड्राइवर के लिए एबीएस फैसिलिटी मिली जाती है। इलेक्ट्रॉनिकल ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर मिलता है यानी कि ईबीडी सिस्टम मिलता है। ब्रेक असिस्ट, इंजन इमोबिलाइजर, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, पावर डोर लॉक, टर्न इंडिकेटर ऑन, ORBM, हेडलैम्प बीम एडजस्टेबल, इस तरह की कुछ फैसिलिटी मिल जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप एक लाइक और शेयर कर सकते हैं।